जय माता दी। मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को लव मैरिज कुंडली में किस प्रकार से होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आजकल कुंडली में लोग इस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये रहते हैं, क्वेरी रहती है कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो ये कुंडली के अंदर में एक विशेष योग होता है कि अगर ये योग है तो लव मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि कुंडली देखकर बतलाया जा सकता है कि कुंडली में अरेंज मैरिज योग है या फिर लव मैरिज योग है। लव मैरिज कोई आज का ही नहीं है, पहले से भी होता आ रहा है। पहले भी पृथ्वीराज चौहान ने लव मैरिज किया था, और भी शकुंतला और दुष्यंत का भी जो विवाह हुआ था वो प्रेम विवाह हुआ था। मुसलमान शासकों ने भी बहुत सारे लव मैरिज किए थे। तो ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि केवल आज के डेट में प्रासंगिक है। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह ये पहले भी हुआ करता था। तो आज के डेट में अगर हम जानना चाहें कि हमारी कुंडली में या किसी की कुंडली में, मेरे घर में किसी की कुंडली में लव मैरिज योग है या नहीं, तो वो कैसे जाने, मैं सिंपल वे में बतलाऊंगा। क्योंकि ये ज्योतिष की बातें हैं, हो सकता है कि सबको समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए तो आराम से समझ में आ जाती है। पहले भी बताया जा चुका है कि ज्योतिष में जो लग्न कुंडली होती है उससे सब कुछ पता चलता है। तो लग्न कुंडली में 12 खाने होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि 12 खाने होते हैं, पहला खाना से लेकर 12वें खाने तक। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरीके से हम उसको लॉर्ड भी बोलते हैं। और इस तरीके से यदि हमें ये पता चल जाता है कि फर्स्ट हाउस कहाँ पर है, सेकेंड हाउस क्या है, और उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, तो इतने जानने भर से हम कुंडली के अंदर में विवाह की परिस्थिति क्या बनती है ये पता कर सकते हैं। विवाह का जो घर होता है वो सेवेंथ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस जो होता है वो जीवन साथी का होता है, और फिफ्थ हाउस जो होता है वो प्रेम का होता है। तो अगर फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में किसी भी प्रकार का रिलेशन है, रिलेशन भी बहुत सारे होते हैं। पहला रिलेशन हो गया कि फिफ्थ और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड दोनों एक साथ कहीं पर बैठे हों। दूसरा रिलेशन ये हो सकता है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में बैठा हो और सेवेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो। इसको म्यूचुअल योग कहते हैं, व्यत्यय योग। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो भी लव मैरिज का योग अच्छा बनता है। ठीक इसी तरीके से फिफ्थ हाउस में और नाइन्थ हाउस में भी अगर इस प्रकार का संबंध है, यानी कि दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हों, या फिर दोनों की युति एक किसी एक भाव में हो, तो ये भी जो होता है इस प्रकार की स्थिति में लव मैरिज का योग बनता है। तीसरी स्थिति आती है कि अगर शुक्र और मंगल अगर किसी भी भाव में अगर हैं तो उसका अफेयर निश्चित रूप से होगा। और अगर कुंडली में स्थिति मजबूत है लव मैरिज की, तो वो अफेयर जो होगा वो प्रेम विवाह में भी बदलेगा। अगर नहीं होगा तो केवल अफेयर होके रह जाएगा। तो शुक्र और मंगल की युति अगर कुंडली के किसी भी खाने में है तो निश्चित रूप से हम खास करके अगर 12th हाउस में या 7th हाउस में या 5th हाउस में हो तो ये प्रबलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लव मैरिज के लिए 5th हाउस और 7th हाउस में रिलेशन होना, 5th हाउस और 9th हाउस में रिलेशन होना, इसके बाद बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में एक संबंध होता है जिसको नव पंचम योग कहते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से अगर 9th हाउस और 5th हाउस में हो तो उसको नव पंचम योग कहा जाता है। तो इस परिस्थिति में भी लव मैरिज होता है। अब ये बात आती है कि लव मैरिज कहाँ पे होगा, अपने कास्ट में होगा या इंटर कास्ट होगा। यहाँ भी बात आ जाती है इंटर कास्ट कब होगा। इंटर कास्ट लव मैरिज उस परिस्थिति में होगा कि लव मैरिज योग बना हो, साथ ही साथ शुक्र 12th हाउस में होना चाहिए। अगर किसी का लग्न से, सूर्य से या चंद्र से अगर शुक्र 12th हाउस में है तो उसका अंतरजातीय विवाह योग मनाता है। सेकंड जो अंतरजातीय विवाह योग होता है वो होता है शनि इंटर कास्ट मैरिज करवाते हैं। तो अगर लव मैरिज योग में अगर शनि का इंटरफ्रेंस है, अगर लव मैरिज योग जहां बन रहा है वहां पर में शनि का रिलेशन बन गया तो वहां पर इंटर कास्ट मैरिज भी करवाते हैं। अब एक चीज और आती है कि शादी तो कर ली, शादी के समय में बहुतों के साथ ये होता है कि लव मैरिज कर रहे हैं, कोई हर कोई अपोज में आ जाता है, हर कोई आपका साथ नहीं देता है, और ऐसी भी परिस्थिति बनती है। तो लव मैरिज में अगर क्रूर ग्रहों की इसके साथ अगर ये योग बनता है, यानी कि शनि मंगल सूर्य के साथ
अगर लव मैरिज का योग बनता है तो आपका कोई साथ नहीं देता है, अगर शुभ ग्रहों के साथ अगर यही योग बनता है तो आराम से वो लव मैरिज जो होगी वो अरेंज मैरिज में आराम से कन्वर्ट हो जाएगी। अब परिस्थिति ये बनती है कि अगर शनि नवमेश को यानी कि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को या फिर लव मैरिज का जो योग बन रहा है वहां पर अगर किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का मतलब ज्योतिष में ये होता है कि या तो दृष्टि देना या फिर उसके घर में बैठ जाना या उसकी राशि में बैठ जाना। तो इस तरीके से अगर शनि का लव मैरिज योग से किसी भी प्रकार का अगर कोई कनेक्शन हुआ और अगर ट्वेल्थ हाउस में अगर शुक्र हैं तो इंटर कास्ट मैरिज होती है। तो इसमें हमने जाना कि पहले तो लव मैरिज योग क्या होता है, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में अगर रिलेशन है और बृहस्पति का अगर बृहस्पति का चंद्रमा और बृहस्पति का नवपंचम योग बन रहा है, ये सारी चीजें लग्न से भी देखनी चाहिए, चंद्र कुंडली से भी देखनी चाहिए और नवमांस कुंडली से भी देखनी चाहिए। तीनों चीज में अगर सेम आ रही है तो बिल्कुल ये हो जाता है कि निश्चित रूप से लव मैरिज होगी। अगर दो एक या दो प्रकार से आती है तो चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसमें ज्योतिष में तो यहाँ तक कैलकुलेशन किया जाता है जो विवाह होगा वो किस तरीके का होगा, मतलब कि आपको कॉलेज लाइफ में अफेयर के बाद विवाह होगा या फिर नौकरी के वक्त होगा, ये सारी चीजें भी थोड़ी डिटेल से अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि किस परिस्थिति है। अगर बुध और शुक्र की युति है, मतलब किसी की कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ में है, नाइन्थ हाउस में है या फिफ्थ हाउस में है, तो वो कॉलेज के समय में उसका जो प्रेम विवाह होगा वो प्रेम विवाह जो होगा वो विवाह में जो उसका जो प्रेम होगा वो विवाह में परिणत हो जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि विवाह तो हो गया लेकिन पूरे घर वाले उसके अपोज में हैं, उसके विरोध में हैं, तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है, बहुतों के साथ आई होगी कि लव मैरिज तो कर लिया लेकिन घर वालों ने साथ नहीं दिया, तो उसको बोला जाता है अगर केतु ट्वेल्थ हाउस में है तो वो परिवार विग्रह करवाते हैं। परिवार विग्रह का मतलब घर वालों से विरोध। तो अगर किसी का राहु मान लिया सिक्स्थ हाउस में है तो केतु ट्वेल्थ हाउस में रहेगा तो वो परिवार वालों के साथ उसका काफी बड़ा विरोध हो जाता है। और इसके बाद जो लव मैरिज के लिए जो शुक्र है, शुक्र की प्रबलता है तो वो लव मैरिज काफी अच्छा रहेगा। अगर शुक्र कमजोर है किसी का, अगर शुक्र पापी ग्रहों से पीड़ित ज्यादा हो गया तो वो लव मैरिज बाद में किसी भी प्रकार का नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन नुकसान तभी पहुंचाएगा जब कुंडली के अंदर में वैसे योग रहेंगे। अगर सुखद दाम्पत्य का योग है, अगर शुक्र और बृहस्पति आमने सामने है या सेवेंथ हाउस, चंद्रमा से सेवेंथ हाउस और नवमांश में भी अगर सेवेंथ हाउस आपका अच्छा है तो सुखद दाम्पत्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, साथ ही साथ अगर सेवेंथ हाउस या चंद्रमा से सेवेंथ हाउस या नवमांश में सेवेंथ हाउस सूर्य शनि राहु केतु या जो भी क्रूर ग्रह है उनसे अगर अफेक्टेड है तो फिर दाम्पत्य अवरोध योग बनता है, जिसकी एक्सट्रीम कंडीशन जो होती है अंतिम वो होती है डाइवोर्स। तो कुंडली में ये पता चल जाता है कि परिस्थिति कैसी है, लव मैरिज होगा या नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगा या नहीं होगा, अगर विवाह हो जाता है तो परिवार के साथ कैसे संबंध रहेंगे, और अगर विवाह में दाम्पत्य अवरोध बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या डिवोर्स होगा, द्वितीय विवाह होगा, ये भी योग रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कुंडलियां दिखने से प्रथम दृष्टिया पता चल जाती हैं कि इसमें लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा और दाम्पत्य कैसा रहेगा। और इस तरीके से लव मैरिज का जो स्थिति है वो हम कुंडली से पता कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे कुंडलियां जो सर्च किया गया है उसमें पता चल जाता है कि विवाह में अगर स्थिति अच्छी बनती है, विवाह के लिए अगर अच्छी स्थिति बनती है यानी कि शुक्र मजबूत है, मंगल मजबूत है या फिर सेवेंथ हाउस लॉर्ड मजबूत है तो विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अगर सेवेंथ हाउस में राहु और केतु का प्रभाव है तो विवाह के समय में या तो अचानक विवाह होता है, ये हो सकता है कि विवाह अचानक हो जाए या फिर किसी न किसी प्रकार की कोई उस समय में कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनेगा जो विवाह के समय में प्रभावित करेगा उस विवाह को। अब बात यह है कि मंगल शुक्र अगर किसी का भी है कुंडली में, अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि मंगल और शुक्र की युति है और अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निश्चित रूप से लव मैरिज का योग बनाएगा।
और अगर मंगल और शुक्र की युति है, अगर क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, यानी कि सूर्य हो गया, राहु हो गया, शनि हो गए, तो फिर वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इस तरीके से लव मैरिज का बिल्कुल जो सार में बताया, मैंने समरी में बताया, हालांकि केवल इतने ही योग नहीं होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन ये योग ऐसे हैं जो सबसे टिपिकल होते हैं और लग्न कुंडली से ही पता चल जाता है। इस तरीके से लव मैरिज का ये योग जो था मैंने बताया। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अभी बनाऊंगा उसमें विवाह का समय, विवाह किस समय होता है, विवाह के लिए अगर किसी का बाधा योग है तो विवाह के बाधा योग क्या क्या होते हैं, किसी किसी कुंडली में ऐसा होता है कि बार बार विवाह स्थिर होता है, विवाह हो नहीं पाता, तो वो किन कारणों से होता है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बतलाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ विवाह के बाधा योग और विवाह कब होगा इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।